नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। चूंकि इस बार 2019 की तरह मोदी लहर भी नहीं है और कांग्रेस व राहुल गांधी भी पहले के मुकाबले मजबूत होकर उभरे हैं, ऐसे में इस बार राम जी ही भाजपा का बेड़ा पार करेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और विश्व हिंदू परिषद यानी कि BHP के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारी भाजपा कर रही है। मंदिर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक के साथ खुलेगा, जिसके बाद कई औपचारिक कार्यक्रम होंगे, जिसके बारे में भाजपा नेताओं का मानना है कि इससे भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी का मोदी सरकार में एक प्रकार का सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा और 2024 का आम चुनाव जीतने के लिए जरूरी सेंटिमेंट तैयार होगा। 1980 के दशक में संघ परिवार द्वारा राम मंदिर आंदोलन शुरू करने के बाद से अयोध्या हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहल के मद्देनजर उद्घाटन समारोह के बाद राज्य इकाइयों को राम मंदिर के लिए भक्तों को फ्री यात्रा के लिए तैयार करने के लिए कहना, जैसा कि भाजपा ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से कई राज्यों के घोषणा पत्रों में इसका जिक्र भी किया है। दर्शन के लिए भक्तों का पंजीकरण करने के लिए टोल फ्री नंबर, 10 करोड़ से अधिक लोगों को जुटाना, रामलला के दर्शन के लिए चार्टर ट्रेनें, अयोध्या चलो अभियान के हिस्से के तौर पर एक विशाल टेंट सिटी की योजना और कार्यक्रमों का सोशल मीडिया आउटरीच के तहत सीधा प्रसारण जैसे कार्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया कि हर राज्य से हिंदुओं की गुलामी के अंत के प्रतीक के तौर पर राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए कहा गया है। यह मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक होगा। RSS और BHP ने मंदिर आंदोलन शुरू किया था और मोदी सरकार में मंदिर के निर्माण के लिए जमीन मिली थी। लोगों को इस तरह के महत्वपूर्ण काम और वर्षों के संघर्ष के महत्व को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि भक्तों के निजी यात्रा के लिए सोशल मीडिया संचार और लोगों को जुटाने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं BHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि 22 जनवरी के बाद 1 से अधिक कार सेवकों के परिवार और मंदिर संघर्ष से जुड़े लोग अयोध्या आएंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 5 लाख मंदिरों में मनाया जाएगा और सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं की यात्रा की व्यवस्था के लिए राज्यों को तारीखें भी दी जाएंगी। इस तड़क भड़क से भाजपा को कई राज्यों में पैदा हुए जातीय संघर्ष को पाटने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो उसके लिए हिंदुत्व वोट को मजबूत करने की उसकी अच्छी तरह से बनाई गई योजनाओं में बाधा पहुंचाने का खतरा पैदा कर रहे हैं। बिहार ने पिछले महीने अपना जाति सर्वेक्षण जारी करते हुए राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग को बढ़ा दिया है, जिसे कि भाजपा ने रोक रखा है। आरक्षण को लेकर उसे महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और मराठा समुदाय से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ हर नुक्कड़ कोने में होगा और संतों के प्रवचन हर गांव में आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि भारत राम के जन्म स्थान को फिर से हासिल करने के लिए किए गए संघर्ष के 500 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। भव्य प्रदर्शन और आम लोगों के बीच इसके जश्न के लिए BHP और RSS के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। BHP सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं और उन्हें अयोध्या और राम के इर्द गिर्द नैरेटिव फैलाने के लिए राज्यों में तैनात किया गया है। 1 से 15 जनवरी के बीच अक्षत निमंत्रण के जरिए 10 करोड़ लोगों को जुटाया जाएगा। इसके तहत राम की तस्वीर की अक्षत यानी कि चावल से पूजा की जाएगी और लोगों में एक सूचनात्मक पत्रक वितरित किया जाएगा। उनसे 22 जनवरी को दिए जलाने और मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने का भी अनुरोध किया जाएगा। दरअसल अक्टूबर में नागपुर में आयोजित दशहरा सार्वजनिक रैली में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पूरे भारत में पड़ोस के मंदिरों में सामुदायिक उत्सव मनाने के लिए भी कहा था। 30 अक्टूबर को मोदी सर ने गुजरात के गांधीनगर में राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ की शुरुआत की थी और एक अभियान जिसके तहत लोग सोमनाथ मंदिर में पोथियों यानी कि नोटबुक पर राम का नाम लिखेंगे, इसका भी आयोजन शुरू किया गया है। इसके बाद इन नोटबुक्स को अयोध्या के मंदिर में भेजा जाएगा। बताया जाता है कि 7 लाख लोग पहले ही पोथियों में राम का नाम अंकित कर चुके हैं। सोशल मीडिया योजनाओं के हिस्से के तौर पर मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखभाल करने वाले ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अयोध्या में आउटरीच के लिए 400 स्वयंसेवकों को कथित तौर पर शॉर्टलिस्ट किया है।
स्वयं सेवकों को मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले अनुभवी भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन और राम के बारे में पौराणिक कहानियों को विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार किए गए वीडियो रीलों को सोशल मीडिया पर चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। लगभग 5,000 लोग जो कि सोशल मीडिया पर प्रभाव रखते हैं, उन्हें पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी अभिषेक समारोह के बारे में प्रचार करने का काम सौंपा गया है। इस महीने की शुरुआत में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या का दौरा किया था और तीर्थयात्रियों के लिए शहर में यात्री भवन बनाने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहाँ विधानसभा चुनाव परिणाम आने वाले हैं, वहाँ भाजपा ने लोगों से अयोध्या की यात्रा कराने का वादा किया है। प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में 9 दिवसीय हनुमान पूजा की योजना भी बनाई गई है, जिसमें राज्य के आदिवासियों को भाग लेने के लिए लाया जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोगों को अयोध्या पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय के सामने सैकड़ों ट्रेनों की मांग भी रखी गई है, जबकि छोटी दूरी के लिए बसें बुक की जाएंगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुंबई से अयोध्या तक 36 ट्रेनें नई चलाने की योजना बनाई गई है। तो कुल मिलाकर 2024 में आम चुनाव है और जनवरी में राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन। इसी के बहाने भाजपा और मोदी सर कहीं ना कहीं अपना एक एजेंडा सेट करेंगे और हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक भी बनाएंगे, जिससे कम से कम जातीय जनगणना के राग को कुछ वो ठंडा कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि जनवरी से लेके और मई तक में क्या क्या नया नया काम होता है। धन्यवाद।